खबर देवगढ़ से। हाईटेक जमाने में बिना सहारे के कर रहे अपना पूरा काम दोनों की इस रब ने बना दी जोड़ी ने मगरा क्षेत्र में अनूठी मिसाइल पेश की है। भीम उपखंड के छापली पंचायत के अंतर्गत कानावास निवासी हीरा सिंह ने अपना मुख बधिर बेटे की शादी उसकी मनपसंद लड़की से शादी करवाकर मगरा क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल पेश की है। हीरा सिंह गुजरात के लिए के एक विद्यालय में अध्यापक थे। इसमें अनोखी बात यह है कि हीरा सिंह ने अपने मुख बधिर बेटे की शादी उनकी पसंद से हुई लड़की से करवाई, लेकिन लड़के और लड़की की एक दूसरे की पसंद से ही यह विवाह हुआ। कहते हैं कि जोड़ियां तो भगवान ऊपर से बनाकर भेजता है, लेकिन यह एक अनोखी जोड़ी है। जितेंद्र सिंह व उनकी पत्नी कविता देवी दोनों ही ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, लेकिन हाथों के इशारे से यह एक आम आदमी की तरह वर्तमान समय में सारे काम करते हैं। जितेंद्र सिंह व उनकी पत्नी एक आम आदमी की तरह सुबह उठते हैं, घर खाना बनाते हैं, उसके बाद खेतों पर निराई फसल कटाई करते हैं। इसके अलावा कभी कभी अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अन्य कई जगह पर यह सफर करते हैं तो बस में टिकट भी लेते हैं। तब परिचालक से यह इनके साथ एक पेन और कॉपी रखते हैं जो लिखकर उनको बताते हैं हमें कहाँ जाना है और हमें यहाँ तक का टिकट दीजिए, जिसके बाद इनको जहाँ जाना होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। जितेंद्र सिंह की पत्नी कविता बीए तक पढ़ी है। जितेंद्र सिंह अहमदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है। अभी दोनों पति पत्नी छापली कानावास गांव में ही रहते हैं। पिता हीरा सिंह ने बताया कि मेरा पुत्र बचपन से मुख बधिर व कान से बहरा था। मैंने मेरे पुत्र को बीए करवाकर उसको प्राइवेट कंपनी में काम भी दिलवाया। उन्होंने प्राइवेट कंपनी में 2 साल काम भी किया। उसके बाद मैंने उसकी मनपसंद की लड़की से शादी करवाई। उससे भी बड़ी बात यह है कि मेरी पुत्र वधू कविता को एक दूसरे से बात करवाई, उन दोनों को एक दूसरे से बात करने के बाद पसंद किया और उसके बाद मैंने शादी की। यह आज मेरे पुत्र व पुत्र वधू दोनों घर का सारा काम करते हैं। मुझे ये महसूस नहीं होता कि ये दोनों मुख बधिर हैं। मेरे 2 और पुत्र हैं, इन तीनों में कोई अंतर नहीं दिखता। मुझे मगरा क्षेत्र के तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए। अपनी संतान को सही मार्गदर्शन दिखाओ तो वह संतान भले ही मुख बधिर बहरी हो, लेकिन माता पिता का मार्गदर्शन बच्चों को सही कार्य करवा सकता है। मेरे छोटे भाई के एक किराना की दुकान है जिस पर कभी कभी मेरे पुत्र व पुत्र वधू दिन भर बैठकर आने वाले ग्राहक को सामान बड़ी आसानी से बेच लेते हैं। उनका हिसाब भी बराबर रखते हैं। यह एक बहुत बड़ा उन लोगों को संदेश है जो कहते हैं कि मैं जिंदगी में हार गया, मैं मेरी पत्नी से बहुत दुखी हूँ, मेरे बच्चों से बहुत दुखी हूँ। मेरे बेटे की शादी तो कहीं होती ही नहीं। जहाँ पर रिश्ता देखने जाता हूँ सभी मना कर लेते हैं। मैं सभी जगह जगह भटक चुका हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की कोई शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। उन लोगों को इस रब ने बना दी जोड़ी से सीखना चाहिए। हमेशा की तरह आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा हूं भीम उपखंड के छापली कानावास गांव के अंदर। यहां एक अध्यापक ने एक मगरे क्षेत्र की एक सराहनीय एक मिसाइल पेश की है जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ पीछे खड़े हैं हीरा सिंह जी। कहते हैं कि शादियां तो भगवान के ऊपर से लिखी हुई चीज़ें होती है, उसके अकॉर्डिंग शादियां होती है। मेरे पीछे एक ये कपल खड़ा है जो आप देख पा रहे हैं, लाई के रब ने बना दी जोड़ी। मतलब इन्होंने इस प्रकार से जो ये शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह जी है। इनकी उम्र 25 से 26 वर्ष की है। ये मुख बधिर है और सुन भी नहीं सकते हैं, और ये इनकी पत्नी है। थोड़ा सा घूंघट ऊपर कर कीजिए। ये इनका पत्नी, क्या नाम इनका? कविता। ये इनकी पत्नी है, कविता इनका नाम है। इन्होंने आज के समय में, वर्तमान समय में, मतलब आदमी ये कहता है
कि मेरी शादी हो गई, मैं घर गुजारा कैसे चलाऊं, मेरी मेरे शादी कराने वाले घर में माता पिता नहीं है, मेरे परिवार वाले नहीं, शादियाँ नहीं होती हैं। लेकिन ये एक अनूठी एक मिसाइल पेश किए हीरा सिंह जी से। आइए हम हीरा सिंह जी से जानते हैं कुछ चीज़ें। हीरा सिंह जी, बेसिकली आपका क्या है, प्रोफेशन क्या था, काम क्या करते थे आप? स्कूल में लैब असिस्टेंट था। कहाँ पर? अहमदाबाद। अच्छा, तो ये आपके बच्चे हैं? हाँ। और ये आपकी पुत्र वधु है? हाँ। आपके बच्चे ये जो मुखबादिर है और इसके अलावा कम कम भी सुनते हैं जी, तो ये क्या ये जन्म से थे? जन्म से। अच्छा, तो आज के जो अभी वर्तमान समय जो चल रहा है, जो मतलब कई परिवार कई फैमिलीज ये कहती है कि हमें मतलब लड़की एक लड़की ढूंढने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, अपने पुत्र के लिए एक बहू ढूंढने के लिए उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो आपने उनके लिए ये उनके आपके पुत्र वधु कहाँ से ढूंढे? मैंने साहब मैंने ढूंढी नहीं है, तो अपने आप ही मैं रिश्ते आ गए मैं जी। हाँ जी, तो वैसे बच्चे मतलब घूमता फिरता हूँ इसलिए। तो अब ये कुलदीप जी हैं, आप इनके पास आइए, आप इनके पास जाइए। तो ये जितेंद्र जी हैं, तो जब आपने इनकी शादी करवाई, थोड़ा घूम के पड़ते, तो ये जब आपने इनकी शादी करवाई तो क्या इनको इनसे मेल मिला, मतलब बात करवाई या इनका फोटो दिखवाया, कैसे शादी? दोनों को मिलवाए थे। दोनों को मिलवाए थे, इनको मिलवाए थे। आपकी पत्नी? आपकी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी? आपकी ये पत्नी। शादी से पहले एक बार आप इनको समझाएं।